पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो मामू लोग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यारो क्या हालचाल, मैं हूँ विवेक, आपका स्वागत करता हूँ मामू लोग यूट्यूब चैनल में। आज पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कार डाइवर्ट एक्टिवेट कैसे करें, लेकिन उसमें मैंने कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट करने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार डाइवर्ट को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि अगर कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर हम कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो हमारी जो कार से वो उसी नंबर पर डाइवर्ट होती रहेगी जब तक कि हम उसे डीएक्टिवेट नहीं करते, क्योंकि कार डाइवर्ट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट नहीं होता, हमें उसे मैन्युअली डीएक्टिवेट करना पड़ता है। कार डाइवर्ट को डीएक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, पहला है यूएसएसडी कोड की मदद से हम कार डाइवर्ट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और दूसरा उसे मैन्युअली कार सेटिंग में जाकर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो यूएसएसडी कोड वाला जो मेथड है उसमें अगर हम कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट करते हैं तो कई बार ये जो कोड है मोबाइल में वर्क नहीं करते, लेकिन जो मैन्युअली मेथड है कार सेटिंग में जाकर डीएक्टिवेट करने की वो 100% वर्क करती है। इसलिए हम दोनों मेथड जानेंगे, अगर आप यूएसएसडी कोड से कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट कर रहे हो और कार डाइवर्ट अगर डीएक्टिवेट नहीं होती है तो आप फिर मैन्युअली करना, तो उससे हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कार डाइवर्ट को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम यूएसएसडी कोड वाली मेथड बता देते हैं। इसके लिए आप फटाफट से अपना डायल पैड ओपन कीजिए। अब डायल पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको तीन कोड बता रहे हैं। पहला कोड है ##0#4 और ##, आपको इस पर कॉल करना है। अगर इससे नहीं होता है तो फिर आपको दूसरा कोड टाइप करना, और दूसरा कोड है ##0#2#, इस पर कॉल कर देना तो कार ड्राइवर डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों कोड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जियो के कोड अलग है और जियो के कोड है *#402। आपको इस नंबर पर कॉल कर देना है और कॉल करने के बाद कंपनी की तरफ से आपको बोला जाएगा कि आपके मोबाइल में कार ड्राइवर सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो चुका है। लेकिन अगर इन तरीकों से कार ड्राइवर डीएक्टिवेट नहीं होती है तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मैन्युअली कार ड्राइवर डीएक्टिवेट करें। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में, सेटिंग में फ़ोन सेटिंग के अंदर कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कार डाइवर्ट की सेटिंग में पहुँच सकते हैं। नहीं तो जनरली हमेशा इसका शॉर्टकट होता है, डायल पैड में जाने के बाद आपको थ्री डॉट्स फाइंड करना है, जैसे कि मेरे इसमें ऊपर राइट की तरफ है, इस पर क्लिक करने के बाद में सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे कॉल सेटिंग के ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग या कॉलिंग अकाउंट के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस सिम को चुनें जिस पर आपने कार डाइवर्ट एक्टिवेट कर रखा है, उस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कार फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कार फॉरवर्डिंग की सारी सेटिंग्स लोड हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको उस कार फॉरवर्डिंग की सेटिंग पर क्लिक करना है जो आपने एक्टिव कर रखी है। जनरली पहली वाली सेटिंग ही एक्टिव की जाती है, तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको बस यहाँ एक टर्न ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। टर्न ऑफ पर क्लिक करते ही आपके इसमें से कार डाइवर्ट की सेटिंग क्लोज कर दी जाएगी। अब कार डाइवर्ट सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो चुका है। इस तरह से आप अपने मोबाइल में कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड बता दिए हमने, आप कोई से भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो ये जो मैन्युअली मेथड है ये वाली 100% वर्क करती है, इससे आप कार डाइवर्ट बड़ी ही आसानी से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यार देखा कितना आसान था कार डाइवर्ट डीएक्टिवेट करना। इस तरह से आप अपने फ़ोन में कोई भी कॉल्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये बड़ा ही आसान है। अब जाकर अपने मोबाइल में कार डाइवर्ट को आप आसानी से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको यूएसएसडी कोड या कार डाइवर्ट के और कोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पोस्ट का, आप उससे जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें कार डाइवर्ट को डीएक्टिवेट करने की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके भाई का चैनल चलेगा। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करो और याद से मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ और कुछ भी सवाल पूछना मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इसलिए फटाफट जाओ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।